इस मूवी में हमें एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बांगजा, जो एक बिजनेसमैन है, यह हमसे इंट्रोड्यूस होता है। बांगजा का इंटरव्यू लेने के लिए एक आदमी आया हुआ था क्योंकि उसे बांगजा पर एक बुक लिखनी है। बांगजा को नहीं लगता कि उस पर अच्छी स्टोरी बनेगी, पर बुक राइटर कहता है आपसे इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी की भी नहीं है, आप इस एरिया के एक बड़े गैंगस्टर हो। यहाँ गैंगस्टर का मतलब ये है कि बांगजा ने एक रिवॉल्ट किया था। बांगजा भी एग्री करता है और इसके बाद उसकी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। बांगजा कहता है कि मैं हमेशा से बिजनेसमैन नहीं था, वो पहले सर्वेंट हुआ करता था। एक हाउस गेस्ट जिसका नाम था माँ, उसके साथ वो रहा करता था। एक रॉयल अरिस्टोक्रेट के लिए वो सर्वेंट था। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माँ, बांगजा और एक लड़की इनके साथ डिनर कर रही होती है। मिस्टर माँ के कैरेक्टर के बारे में यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है। जो लड़की उनके साथ डिनर कर रही थी उसके साथ भी वो फ्लर्ट कर रहा था। लड़की जब चली जाती है तो बांगजा को कहता है कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी पर उसकी नज़र तुम पर थी। मिस्टर माँ को पता है कि बांगजा एरिस्टोक्रेट के लिए काम करता है, तो मिस्टर माँ पूछते हैं कि तुम्हें उसके लिए काम करना कैसा लग रहा है। बांगजा कहता है कि वो अच्छा है, मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। यहाँ एरिस्टोक्रेट की बात हो रही है, एरिस्टोक्रेट का नाम ली है। अब मिस्टर माँ कहते हैं कि ली जब से छोटा था तब से मैं उसे देखता आ रहा हूँ, अभी तक तो वो एक्चुअल में कैसा है यह मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया हूँ। यानी कि ली जो है यह हमारा बहुत ही ट्विस्टेड कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बांगजा ली के साथ एक जगह पर डांस देखने के लिए आया हुआ है। यहाँ डांस करने वाली का नाम जून है। ली को जून का डांस बहुत ही पसंद आता है, वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। यही जब बांगजा ने पहली बार जून को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। अपने मास्टर के ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए बांगजा जून के पीछे पीछे उसके चेम्बर्स में गया। जून और उसकी सर्वेंट फिर डर गए क्योंकि इस तरीके से कोई भी आदमी उनके चेम्बर्स में नहीं आता, ये अलाउड नहीं है। बांगजा ने जून से कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर जून की सर्वेंट ने उसे मना कर दिया। तभी थोड़ी देर में ली वहां पहुंच गया। ली ने प्रिटेंड किया कि उसने बांगजा को भेजा ही नहीं था। उसने जोर से बांगजा को झापड़ मारी। वो चून के सामने अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता था। ली चून को कहता है कि इसे आपको प्रॉपर इनविटेशन देना चाहिए था। इनकी बात चल रही थी तभी और एक नोबलमैन वहां पहुंच गया। वो चाहता था कि चून उसके लिए भी डांस करे। चून ने अब इसके लिए मना किया पर वो मान नहीं रहा था। फिर इस नोबलमैन और ली में फाइट होने वाली थी पर ली उसे मार नहीं सकता था, तो इस सिचुएशन में बांगजा पड़ गया। उसने इस नोबलमैन को मारकर वहां से भगा दिया। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि ली चून पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था, इसी वजह से उसने बांगजा को स्लैप किया था, पर यह सब अब उल्टा हो चुका है। जो नोबलमैन चून का डांस देखना चाहता था उसी को बांगजा ने मारा। चून को उसने अच्छे से प्रोटेक्ट किया तो उसका इम्प्रेशन अच्छा बन चुका है। जो फाइट अभी अभी बांगजा ने की इस वजह से ली को चून से बात करने का चांस चला गया। ली उसे बड़ी तकलीफ दे सकता है। बांगजा जब मिस्टर माँ के साथ है तो उन्हें अपनी सब वरीज बताता है। मिस्टर माँ उसे कहते हैं कि अब तुम्हें उन दोनों के बीच फिर से एक मीटिंग अरेंज करनी होगी। चून को हमेशा उसकी सर्वेंट प्रोटेक्ट करती है, अगर उसे कुछ भी बताना हो तो सर्वेंट को ही बताना पड़ेगा, अगर वो नहीं माने तो सब प्लान चौपट हो जाएगा। अब बांगजा को क्वेश्चन है कि वो ऐसा क्या करे कि चून की सर्वेंट वो जो भी कहे वो मान जाए। जैसे कि हमें पता है कि मिस्टर माँ एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है, तो इसका सोल्यूशन भी उनके पास होता है। वो कहते हैं ऐसा मैं किसी को भी बताता नहीं, पर मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। जब तुम चून के सर्वेंट के पास हो गए तो उसे जकड़ लेना, तुम अगर उसे सेंसिटिव टच करोगे तुम्हारी सारी बातें वो मान लेगी। ये सीन यही खत्म होता है और अगले दिन हम देख सकते हैं चून, उसकी मदर और उनकी कुछ सर्वेंट्स ये सब डिस्कस कर रहे हैं। ली एक नोबल मैन है, अगर उसने चून से शादी कर ली तो ये बहुत ही बड़ा ऑनर होगा। मदर कहती है कि ली को तुम पसंद आ गए हो, तुम्हारे लिए जरूर वो कोई ना कोई तो मैसेज भेजेगा ही। ये बात ही कर रही थी तो ये बांगजा मैसेज देने के लिए वहां पहुंचा। जैसा मिस्टर माँ ने कहा था उसी तरीके से चून के सर्वेंट को उसने सेंसिटिवली टच किया। चून की सर्वेंट डर गए और इसने मैसेज चून को दे दिया। अब इसके बाद ली, चून, चून की सर्वेंट और बांगजा इन सब की एक मीटिंग होती है। एक वाटरफॉल पर आते हैं। ली और चून जरा वॉक के लिए गए और थोड़ी सी उन्होंने बात की। चून की सर्वेंट का नाम दानी है, तो दानी और बांगजा ये दोनों मील कुक कर रहे थे। बाद में जब चून और ली इनके पास आए तो चून बांगजा से बात करने लग गए।
ली से ज्यादा वो बांजा में इंटरेस्टेड है। अच्छे से बांजा कुक कर रहा था तो कहती है कि तुम कितना डेलिकेटली कुक कर रहे हो, कल तुमने एक आदमी को मारा था तब तुम बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे। बांजा में जंडल और स्ट्रांग ये दोनों एबिलिटीज एक ही टाइम पर है, ये उसे बहुत अच्छा लगता है। चुन ने बांजा की तारीफ की तो ली को ये अच्छा नहीं लगा। बांजा का इम्प्रेशन अप डाउन करने के लिए ली चुन से कहता है कि बांजा मिस्टर मा के साथ रहता है, इसी वजह से उसे ये सब ट्रिक्स आती होगी। मिस्टर मा बदनाम है और बांजा उसके साथ रहता है तो ये सुनकर चुन उसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाती है। चुन यहाँ से जा रही थी तो अचानक से उसका पैर लचक गया, वो चल नहीं पा रहे, उसका शूज पानी में गिर गया था। तो बांजा डायरेक्टली जंप मारता है, पानी में से वो शूज लेकर आता है। वो अब चल नहीं सकती थी तो बांजा अपने शोल्डर पर अब उसे घर छोड़ने जा रहा है। घर जाते जाते चुन बांजा से कहती है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ही अजीब है, उसे खुद मुझे घर ले जाना चाहिए था, तुम्हारे तो कपड़े भी गीले हैं। बांजा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं नीचे में उतार सकता हूँ। चुन उससे पूछती है तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। बांजा उसे कहता है कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और तुम नोबल भी नहीं हो। इसके बाद चुन उसकी तारीफ करती है, कहती है कि सब चीजें तुम्हें सही से आती हैं। इसी तरीके से बातें करते करते फिर ये घर जाते हैं। अगले दिन बांजा ली से पूछता है कि तुम चुन को छोड़ने के लिए क्यों नहीं गए थे। ली कहता है कि मैं हार्ड टू गेट खेल रहा हूँ, यानी कि अगर मैंने उसे भाव नहीं दिया तो मेरे प्यार में वो और भी पड़ जाएगी। ली ने यह सब बुक्स में पढ़ा था। अब बांजा वरीड हो चुका है, वो चुन के प्यार में है पर अगर ली चाहे तो कभी भी चुन को पा सकता है, उसे चुन सिर्फ अपने लिए चाहिए, वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता है। तो फिर वो मिस्टर माँ की हेल्प लेता है। मिस्टर माँ भी उसकी डेस्परेशन समझकर उसे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो फिर बांजा को सिखाते हैं, कहते हैं कि जब तुम चुन के साथ होगे तब रिलैक्स होकर लीन बैक करना और उसके शोल्डर पर देखना, ये करने से वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, फिर तुम स्नीज करना और उसे जकड़ लेना। जब बांजा चुन के साथ था और उसने ट्राई किया तो सचमुच में वर्क भी करता है। चुन को समझ में नहीं आया और अगले सेकंड में बांजा के वो बहुत पास थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मा बांजा से बात करते हैं। वो कहते हैं चुन के चैम्बर से एक लेटर बाहर जा रहा था जो ली के लिए था। यह लेटर मिस्टर मा ने पढ़ लिया। मिस्टर ली को उसने रात में मिलने के लिए इनवाइट किया था। इसमें सीरियल ट्यूब बातें लिखी हुई थी। बांजा कहता है कि चुन ऐसा नहीं लिखेगी। मिस्टर माँ कहते हैं कि मुझे मालूम है ये उसकी मदर ने लिखा होगा, ये उसकी मदर की एक ट्रिक है और सचमुच में ऐसा ही था। अगले सीन में यही चीज मदर और चुन डिस्कस करते हुए हम देख सकते हैं। मदर कहती है कि अब मैंने जो लेटर भेज दिया है इससे वो खींचा चलाएगा, इसके बाद उसे रिझाना ये तुम्हारा काम है। मदर चुन को ली के साथ होने के लिए फोर्स कर रही है। मदर बांजा को लेकर भी उसे वार्निंग देती है, कहती है उसके साथ तुम कुछ भी मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि ली रात में चुन के घर पर आता है, उसने रात वही बिताई। जब वो सुबह घर पर जा रहे थे तो ली बांजा से कहता है कि उसकी रात बहुत ही अच्छी थी। थोड़ी देर में उसे स्टमक पेन स्टार्ट हो गया। उस रात जो भी सब हुआ ये सब चीजें मिस्टर मा को बांजा बताता है। मिस्टर मा कहते हैं कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हुआ होता तो उसका पेट नहीं दुखता, तुम ज्यादा वरी मत करो। वो बांजा को कहते हैं कि अब तुम्हें जल्द से जल्द उसके साथ इंटीमेट होना है, उसे वो कुछ टिप्स देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में डायरेक्टली बांजा चुन के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर वो बहुत डर गई थी, वो चिल्लाने वाली थी पर बांजा भी बहुत डर चुका था। उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर किसी को पता चला तो मुझे वो सब मार डालेंगे। चुन पूछती है तो फिर तुम आए ही क्यों। बांजा कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना डरूंगा नहीं। इसके बाद उसके पास आकर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक रात ली चुन के पास आया, उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। अब ये सब बात बांजा को भी पता थी, इसके बारे में उसने चुन के साथ बात की। चुन अपनी सफाई में कहती है कि मेरी मदर ने मुझे फोर्स किया था, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मिस्टर माँ को जब इस सब सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो कहते हैं कि तुम्हें जरा केयरफुल रहना चाहिए, उसकी मदर बहुत ही डेंजरस है। एक्चुअल में मिस्टर माँ जब यंग थे तब चुन की मदर के साथ भी वो इंटीमेट हुए थे। एक साथ चुन की मदर और उसकी सिस्टर के साथ उनकी रिलेशनशिप थी। चुन की मदर जेलस हो गई और उसने अपनी सिस्टर को ही अंधा कर डाला, इसलिए मिस्टर माँ कहते हैं चुन की मदर बहुत ही डेंजरस है, तुम्हें उन सब से डर कर रहना चाहिए। बांजा सुनने के लिए रेडी नहीं है, पूरी तरीके से चुन के प्यार में है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बांजा जब ली के पास पहुंचता है तो वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। बांजा जब उसे पूछता है तो ली कहता है कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं दूर जा रहा है।
उसे किंग के लिए एक बड़ी पोस्ट चाहिए। ली बांजा से एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि मैंने चुन को एक प्रॉमिस किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। ये प्रॉमिस करने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ था। वो बांजा से कहता है कि रात में तुम चुपके से वहां जाना और वो कॉन्ट्रैक्ट चुरा कर लेकर आना। जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चुन ने ली के साथ किया है, उसी तरीके का बांजा के साथ भी उसका है। बांजा जब एक कॉन्ट्रैक्ट चुराने के लिए रात में वहां पहुंचता है, चुन उसे पकड़ लेती है। बांजा उसे समझाता है तो चुन कहती है कि तुमने गलत कॉन्ट्रैक्ट पिक किया था। उसे वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो ली को दिखाने के लिए उसे कहती है। ली जब इस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो बांजा और चुन के बीच में जो हुआ था यही वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब ली को सब कुछ बात पता चल चुकी है, पर वो ज्यादा केयर नहीं करता। इसके बाद अपनी एजुकेशन के लिए वहां से वो चला जाता है। बांजा और चुन के लिए ली एक प्रॉब्लम था। अब वो वहां से जा चुका है तो इनके लिए सब कुछ सही हो जाता है। चुन के मदर के अच्छे से कनेक्शंस है तो एक बिजनेसमैन से उसे मिलाती है। बांजा भी अच्छे से एक बिजनेस करना चाहता है। स्लोली स्लोली उसका बिजनेस ग्रो तो होता ही है, पर इसके साथ उसकी चुन के साथ रिलेशनशिप भी ग्रो होती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक से इन्हें न्यूज मिली कि ली ने एग्जाम पास कर ली है। अब ली एक रॉयल इंस्पेक्टर बन चुका है। वो डायरेक्टली किंग के लिए काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिन में ली अपनी पोस्ट लेता हुआ दिखता है। कुछ रॉयल लोग थे जो इसे ऑनर देने वाले थे, पर उनका स्टैम्प वो भूल चुके थे। ली इन पर गुस्सा हो गया। बाद में इन लोगों ने ली से बात की। वो कहते हैं कि बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग आते रहते हैं, पर कोई भी टिकता नहीं। टिकते वो लोग हैं जिनके पास पर्सनैलिटी हो और अच्छी सुनाने के लिए स्टोरीज। तुम्हारे पास वो दोनों चीजें नहीं है। बेचारा ली फिर डिप्रेस्ड होकर अपने एक कलीग के साथ बात करता है। उसका कलीग जो है एक किंग के लिए मैजिस्ट्रेट बन चुका है। ली उसे कहता है कि हमने इतनी पढ़ाई की और इसके बाद भी हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मैजिस्ट्रेट कहता है कि मैंने पढ़ाई तो एक ही चीज के लिए की थी, मुझे अच्छी लड़कियां मिल सके। ये मैजिस्ट्रेट ली को कहता है कि तुम अगर अच्छी स्टोरीज किंग के लोगों को सुनाओगे तो तुम्हारा जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाएगा। ली कनिंग है और उसे फिर एक आइडिया आता है। वो इस मैजिस्ट्रेट को कहता है अगर तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए तो मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की पता है। वो चुन के बारे में उसे बताता है। कहता है कि जाकर डायरेक्टली उसे तुम अपनी बना लो। तुम अगर उसे फोर्स करोगे तो पहले वो रजिस्टर कर सकती है, पर बाद में वो मान जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुन भी अलग अलग कपड़े लेकर रेडी हो रही है। उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या ली आ रहा है, इसी वजह से तुम रेडी हो रही हो। चुन कहती है कि हाँ, तुम्ही तो चाहती थी कि मैं हाईएस्ट बिडर पर सेल हो जाऊँ। इसके बाद ली चुन से मिलने के लिए आता है, पर बांजा उसे रास्ते में ही रोक लेता है। वो कहता है कि चुन की तबीयत अच्छी नहीं है, तुमसे आज नहीं मिल सकती। ली उसे समझाने की कोशिश करता है, पर बांजा मानता नहीं। ली उसे कहता है एटलीस्ट एक मैसेज तुम उसे दे दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चुन और ली की मीटिंग होती है। जब बांजा चुन से पूछता है कि किस बारे में तुम बात कर रहे थे, पर चुन उसे कुछ भी नहीं बताती है। जैसा ली ने मैजिस्ट्रेट को कहा था कि चुन बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें उसे पाना चाहिए, तो यही करने के लिए मैजिस्ट्रेट चुन के घर पर आया हुआ है। वहाँ वो डांस देख रहा था, पर आसपास चुन कहीं भी नहीं थी। वहाँ गेंजा से उसने कहा मुझे चुन को ही देखना है। बांजा भी आसपास ही था तो बांजा ने मैजिस्ट्रेट को समझाने की कोशिश की कि चुन जरा बीमार है तो आपके लिए डांस नहीं कर सकती, पर ये मैजिस्ट्रेट माना नहीं। उसने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में फिर चुन यहाँ आए। उसने खुद अपोलोजाइज किया और कहा कि मैं आज बहुत बीमार हूँ, आपके लिए मैं डांस नहीं कर सकती, और मैजिस्ट्रेट अब भी मानने के लिए रेडी नहीं है। चुन इस पर चिढ़ जाती है, कहती है मैं तुम्हारे लिए डांस नहीं करने वाली। मैजिस्ट्रेट भी गुस्सा हो गया। मैजिस्ट्रेट के पास सोल्जर्स थे तो उसने चुन को अरेस्ट कर लिया। बांजा चुन को बचाना चाहता था, पर बचाने बचाने में वो भी इंजोर हो गया। बांजा एक बिजनेसमैन है, पर फिर भी उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो सब लोगों से हेल्प मांगता है, पर कोई भी उसे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली वो ली के पास आता है। ली बांजा से कहता है कि तुम तो मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे थे। बांजा के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। चुन को जहाँ बंदी बनाया हुआ है, बांजा उसे रात में वहां मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। चुन उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बांजा भी इसके लिए एग्री करता है। कहता है कि ली यहाँ आ सकता है, वो जो भी करे वो तुम मान लेना। अगले दिन मैजिस्ट्रेट ने चुन को अपने रूम में बुलाया। उसके साथ वो जबरदस्ती इंटीमेट होने वाला था, तभी बाहर बांजा ने तमाशा खड़ा कर दिया। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर सब लोग फिर बांजा को मारने लग गए। कुछ ही पलों में ली फिर वहां पहुंच गया। ली ने अपना फेस कवर किया हुआ था।
ली एक रॉयल इंस्पेक्टर है, वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को अपनी जॉब से निकाल सकता है, वो एक ट्रेटर है या वो कह सकता है, तो यही चीज वो इस मैजिस्ट्रेट के साथ भी करता है। ये जो सब था उसका प्लान था। उसे किंग के लोगों ने कहा था कि जिन लोगों के पास अच्छी स्टोरीज होती है उन्हें अच्छा सा प्रमोशन मिलता है, तो यही स्टोरी वो क्रिएट कर रहा था। जब वो चुन से मिला था तभी भी यही उन्होंने डिस्कस किया था। उसने अभी अपना फेस नहीं दिखाया है, किसी को भी पता नहीं है कि जो रॉयल इंस्पेक्टर यहाँ आया हुआ है ये ली है। ये फिर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है चुन को बाहर लाया जाए। वो चुन से कहता है मैजिस्ट्रेट एक ट्रेटर था पर फिर भी वो मैजिस्ट्रेट था, उसकी ऑर्डर तुम्हें ऑबे करने चाहिए थी। चुन ने ऑर्डर नहीं माने तो इसके लिए उसे टॉर्चर करने की ऑर्डर देता है। चुन को टॉर्चर होता देखकर पांजा साहब से कहता है कि चुन मैरिड है, इसी वजह से वो मैजिस्ट्रेट के साथ नहीं रहना चाहती थी। चुन भी ली के साथ उसका मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो था इस सबको दिखाती है, उसका वायलेशन हुआ तो इसीलिए वो जीना नहीं चाहती। वही चाकू लेकर अपने आप को मार लेती है। ली फिर अपना चेहरा सबको दिखाता है, वो कहता है कि सिर्फ मैं चुन को टेस्ट कर रहा था, अगर वो मर गए तो मैं क्या करूंगा। ये सब एक नाटक था और ली को बताने के लिए एक अच्छी सी स्टोरी मिल चुकी है। चुन का फिर इलाज किया जाता है और वो बच चुकी है। ली पावरफुल है तो उसने बांजा को कैदी बना लिया है। आखिरी बार चुन उसे मिलने के लिए आती है तो बांजा उसे आई लव यू कहता है, कहता है मुझे हक नहीं है पर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुन और ली की शादी हो चुकी है पर फिर भी चुन ली से कहती है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी वहां मुझे बांजा चाहिए। ये जहाँ भी होते हैं तो तीनों एक साथ होते हैं। इसी तरीके से इनकी रिलेशनशिप चल रही थी। एक वाटरफॉल के पास जहाँ पर चुन बांजा और ली फर्स्ट टाइम मिले थे वहीं पर हम एक सीन देख सकते हैं। ये माउंटेन पर है और माउंटेन बहुत ही हाइटेड था। चुन ने जो किया है इससे ली हर्ट था तो इसी वजह से उसने ऊपर से उसे ढकेल दिया। बांजा भी चुन को बचाने के लिए नीचे आया, उसे लेकर वो वहां से भाग गया। ली ने इन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ये हमेशा भागते रहे। अब फिर से मूवी के फर्स्ट में हमें जो दिखाया गया था कि बांजा पर बुक लिखी जा रही है। बांजा एक पावरफुल गैंगस्टर बन चुका है तो उसका कोई भी ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। ये सब अपने लाइफ की स्टोरी बांजा बुक राइटर को सुना रहा था। बांजा उसे फिर चुन को दिखाने के लिए लेकर जाता है। चुन जब माउंटेन से गिरी थी तो उसके सर पर चोट आ गई थी, इसी वजह से अब वो एबनॉर्मल हो चुकी है। बांजा राइटर से कहता है ये सब तुम बुक में मत लिखना, मेरा कैरेक्टर ही तुम इस बुक से निकाल देना, तुम लिखना कि चुन और ली एक दूसरे से मिले। इसके बाद ली अपनी स्टडीज के लिए बाहर गया और जब एक दूसरे के साथ मिले तो इन्होंने शादी कर ली। वो राइटर को एक सिंपल सी लव स्टोरी लिखने के लिए सजेस्ट करता है। राइटर पूछता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो। मांजा कहता है कि चुन एक सिंपल सी लाइफ डिजर्व करती थी पर मेरी वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मांजा फिर चुन को अपने शोल्डर पर रखता है और पूरी गार्डन में घुमाता है। इसी टाइप से उनकी फर्स्ट डेट भी थी। इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।